कायस्थ विकास परिषद के तत्वाधान में भगवान चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपा की क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने भगवान चित्रगुप्त को आरती कर तथा नारियल फोड़कर शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया। जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी भगवान चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा निकाली गई और जनपद में चित्रगुप्त समाज से जुड़े हुए नागरिक इस शोभा यात्रा में भागीदार बने। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा के दौरान भगवान चित्रगुप्त की आरती पूजा अर्चना की गई और सभी भगवान चित्रगुप्त से प्रार्थना किया कि सबका कल्याण करें और सबका मंगल हो। वहीं कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिन्हा ने बताया कि कायस्थ विकास परिषद के तत्वाधान में पूरे हिंदुस्तान में भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा निकाला जाता है। चैत्र माह में कायस्थ समाज के लोग उत्साह के रूप में इसे मनाते हैं। उन्होंने बताया कि यह शोभा यात्रा आर्यनगर बख्शीपुर बैंक रोड विजय चौराहा गोलघर होते हुए गोरखपुर क्लब में जाकर संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ अमित वर्मा, भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, भाजपा के महानगर क्षेत्र उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ दीप्तिमान श्रीवास्तव सहित कायस्थ विकास परिषद के कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिन्हा ने कहा। Oh,
सी जान। तुमको पता नहीं है भारत को वैद्य राजू सिन्हा राष्ट्रीय अध्यक्ष कायस्थ विकास परिषद। यह शोभा यात्रा भगवान महाकाल चित्रगुप्त का प्रकट उत्सव चैत्र माह के पूर्णिमा के दिन हुआ है और उसी संदर्भ में कायस्थ समाज के लोग कायस्थ विकास परिषद के तत्वाधान में पूरे हिंदुस्तान में हम भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। कुछ जगहों पर हम लोग मंदिरों में पूजन अर्चन करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। एक माह का चैत्र माह में हम कायस्थ समाज के लोग उत्साह के रूप में इसे मनाते हैं। यह यात्रा यहाँ से केंद्रीय कार्यालय नियामक चक से उठकर तरंग आर्यनगर बक्सीपुर बैंक रोड विजय चौक होते हुए गोलघर और इसका समापन होगा गोरखपुर क्लब में। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी भगवान चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा यहाँ से निकल रही है और पूरे गोरखपुर के नागरिक विशेषकर चित्रगुप्त समाज से जुड़े हुए और पूरे गोरखपुर के प्रतिष्ठित नागरिक इस शोभा यात्रा में भागीदार बनते हैं। जगह जगह स्वागत के कार्यक्रम होते हैं, भगवान चित्रगुप्त जी की आरती होती है और उनकी पूजा अर्चना होती है और सभी लोग भगवान चित्रगुप्त से प्रार्थना करते हैं कि सबका मंगल हो और सबका कल्याण करें।